कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा केजी पालक लिया है। इसे हमने 2-3 बार पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब गैस पर हमने पानी गर्म होने के लिए डाल दिया है। हम इतना पानी लेंगे ताकि पालक अच्छी तरह से डूब जाए। अब पानी में उबाल आने देंगे। तो अब पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम पालक को डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से पानी में डुबो देंगे। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। गैस मीडियम रखेंगे। तो अब 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और पालक को इसमें से निकालकर ठंडे पानी में रख लेंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहे तो इस पानी से आटा भी गूंद सकते हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम पालक को डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो इसे हमने पीस लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब तेल थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। गैस हम मीडियम रखेंगे और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी हरा मटर। इसे मिला देंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे पालक की प्यूरी। जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही इसमें हम 1/2 कटोरी पानी डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। जिस पानी में हमने पालक उबाला था वही पानी हमने इसमें डाला है। अब इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस हम मीडियम ही रखेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे हमने 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 हरी मिर्च। इसे हमने बीच से 2 टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे।
तो अब पालक मटर की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।